दोस्तों, संदीप जी आए हैं चैनल में, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं पहले भी एक ट्राइबर के वीडियो बना चुका हूं और आप सभी ने उसको काफी पसंद किया, काफी आपके कमेंट्स आए और कई लोगों ने कमेंट किए कि एक बार एक वीडियो आप और बनाइए और उसमें थोड़ी और डिटेल दीजिए। तो आज मैं वापस हाईवे पे निकला हूँ, ये आप देख सकते हैं हाईवे पे, और चढ़ाई भी है। काफी कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि आप कोई चढ़ाई हो उस पे, पूरे 7 सीटर 8 सीटर उस पे आप वीडियो बनाइए। आप सामने देखिए पूरी चढ़ाई है, ये एसी चल रहा है अभी भी गाड़ी में, फुल एसी चल रहा है और कैपेसिटी भी आप देख सकते हैं 7 to 8 पीपल इन द कार, और अच्छे से चल रही है। आप देखिए आगे ये पूरा गार्ड सेक्शन है, ये थ्रो आउट यहाँ पर, और इस पे इजीली मैं 5th गियर पे गाड़ी चला रहा हूँ, कहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, एसी भी ऑन है। इस तरह आप देख सकते हैं ये हम टनल में से क्रॉस हो रहे हैं, गाड़ी काफी अच्छी चल रही है। मेनली तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कमेंट्स आपके आए थे कि गार्ड सेक्शन पे ये कैसे चलती है, उसका भी आप एक वीडियो शेयर कीजिए, इसलिए मैं ये गार्ड सेक्शन पे वीडियो बना रहा हूँ। और सारे कैपेसिटी फुल है, चल रही है गाड़ी, बढ़िया चल रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। कई लोगों ने ये भी बोला कमेंट्स में कि आप इसके एसी पे एक वीडियो बनाइए, ये तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं कोई प्रोफेशनल रिव्यूअर नहीं हूं, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आप सभी के साथ, इसलिए ज्यादा तो मैं डिटेल में कुछ समझता नहीं हूं गाड़ियों के बारे में। मैं तो सिर्फ अपनी गाड़ी ली है और आपके कमेंट्स आए, आप सभी ने पसंद किए और बहुत सारे आपने दिए थे आप ये इस पे बनाइए उस पे बनाइए, तो मैं कुछ चीजें उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूं। और लोगों ने ये भी बोला था वीडियो में या कमेंट्स किए थे कि कोई भी गाड़ी है वो ये इसकी भी काफी कम वो है, पावर नहीं चलेगी घाट पे, लेकिन मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। आपने देखा ही होगा बहुत सारी छोटी छोटी गाड़ियां भी आती है, वो भी इजीली घाट पे चलती है। हाँ ये है, थोड़ा पावर कम है तो आपको कहीं तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, या तो आप 7 सीटर ले लीजिए या 5 सीटर के साथ चलिए। तो क्योंकि मेरी एक जॉइंट फैमिली है और मैं हमेशा हमारा यूजली जाना रहता है कि 5-7 लोग जाते हैं, तो उसके लिए मैंने ये, मेरा फैमिली पर्पज सोल्व हो उसके लिए मैंने ये गाड़ी ली है और मैं काफी खुश हूँ इस गाड़ी से। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है, जैसे कुछ गियर्स में हल्का सा कोई साउंड है या कुछ है तो वो मेरे को थोड़ा सा लगता है, तो इतना तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा कि आप एक 8 लैक्स में टॉप मॉडल जिसमें सारे फीचर, स्टार्ट स्टॉप का बटन है, आपको टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, सारे सेंट्रल लॉकिंग है और भी बहुत कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो आपको हायर एंड की गाड़ियों में मिलते हैं, और वो आपको रेनो 8 लाख में दे रही है। इससे ज्यादा आप एक गाड़ी से और क्या उम्मीद करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ कहीं हो सकता है आपको पिकअप की प्रॉब्लम कहीं कहीं फेस करनी पड़े, क्योंकि इनिशियली पिकअप इतना मेरे को नहीं लगा है सच कि काफी अच्छा पिकअप हो बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ ओके है। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें पिकअप की प्रॉब्लम है या और भी कोई प्रॉब्लम है, मेरे को कहीं भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, इसलिए मैं ये आपको वीडियो वापस शेयर कर रहा हूँ। आप देखिए, और हाईवे पे फर्स्ट क्लास चल रही है, जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था, बहुत सारे गलत और कोई से भी एक और कमेंट आए थे, ठीक है अब सब अपनी अपनी पसंद है साहब, जिसको जो पसंद है वो लेनी चाहिए। मैं कोई रेनो, मेरे को कोई रेनो से कोई विशेष लगाव नहीं है, मैंने तो सिर्फ अपनी फैमिली बड़ी है, जॉइंट फैमिली है, जनरली हम बाहर आते जाते रहते हैं, इसलिए ये वीडियो बनाई है।
और देखिए अभी चल रहे हैं, अच्छी चल रही है। ये वीडियो जो है खत्म करता हूँ। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।